ऊपर वाला भी ना कमाल का राइटर है। सीरियल्स के सारे ट्विस्ट एंड टर्न उसने हमारी जिंदगी में क्यों लिख दिया छोटे, पता नहीं भाई। लेकिन अगर हमारी शादी हो जाती ना तो हमारे बच्चे होते, फिर उनके बच्चे होते, और उनके बच्चे हमें दादाजी दादाजी कहकर पुकारते। अरे ऊपर वाला हमें दादाजी बना देता कम से कम, क्या प्रॉब्लम थी? पता नहीं भाई, ऊपर वाले को क्या प्रॉब्लम है हमें दादाजी दादाजी कहकर पुकारने में। कौन है जो हमारी उजड़ी जिंदगी के एयरपोर्ट पर अपना प्लेन बार बार लैंड करने की कोशिश कर रहा पत्थर है? हमारे तो पासपोर्ट भी जब्त हो गए। चलो भाई ये बहुत हो गया, तेरी तो मैं छोड़ूंगा। ये कौन है जो रुक छोटे रुक रुक कुछ चक्कर लगता है। अरे क्या चक्कर है यार, ये कौन भेजेगा अपने को? छोटे ये देख कुछ लिखा है, पढ़ पढ़। अबे प्लेन को क्या देखता है, इसे खोल कर इसके अंदर पढ़। खोल 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 एक्शन खोल। है डियर केतन चेतन, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नीना ने तुम्हारे साथ चीटिंग की है। चीटिंग? तुम्हारे डैडी की वसीयत की टेप नकली है। नकली? अगर ओरिजिनल टेप चाहिए तो कल नेशनल गार्डन में आना, वहाँ तुम्हें ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट में एक आदमी मिलेगा जो मैं हूँ। बाय बाय। कौन है यार? मतलब हमारी वसीयत कुछ और है? अरे छोटे तू वसीयत की सोच रहा है? पहले ये सोच कि ये मैं कौन हो सकता है। बाप हमारा, वसीयत हमारी और वो है किसी और के पास। छोटे मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं हमारा बाप नीना जी के साथ किसी मीना जी का खानदान मसाकर तो नहीं मर गए। भाई भाई चुप चुप बोल यार, चुप चुप। वो चुप चुप नहीं, शुभला वाला चुप चुप बोल यार। अबे वो चुप चुप को छोड़, ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े वाले आदमी को ढूंढ जो हमारी जिंदगी को रंगीन बनाने वाला है। भाई हाँ भाई बोल, ब्लैक एंड व्हाइट वो हमें बुला भी रहा है। चल छोड़े चल चल। भाई साहब बैठ जाए। बोला है? हाँ बोला है। हाँ बैठ जाए। आप वही आदमी है ना? आपके पास कैसेट है ना? देती क्यों नहीं हो? भाई साहब कैसेट डीजे ना। ये तो अंधा है। कौन है? और ये गाना भी सुन रहा है। अरे भाई इससे पहले कि हमें इस हज में मारे हम निकल लेते भाग ले। चल चल भाग ले भाई भाग ले। अंधा अंधा तेरा बाप अंधा आजकल भाई। अरे वो तो ठीक है छोटे, लेकिन उस आदमी को तो ढूंढ पहले। हाँ भाई आए हो यार छोटे। हाँ वो देख ब्लैक एंड व्हाइट वाला आदमी, वही वही। नहीं भाई लेकिन वो भी सारे ला रहा है, देखो ये भी जरूर अंधा होगा। लगता है यहाँ पे सब अंधे ही हैं। चलो भाई चल छोटे। ये उसी ने फेंका। हाँ भाई अबे तेरी तो अंधे, तूने पत्थर क्यों मारा? ए हमको अंडा क्यों बोलते हैं? हम अंडा नहीं है। तो सर क्यों हिला रहे थे? क्यों सर हिलाने वाला हर आदमी अंडा हो जाता है। अबे छोटे अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। पता हम दोनों कितने? तुम दोनों दो है भाई। इसकी तो दोनों आगे चलती है, इसका मतलब ये कैसेट वाला ही है। सिर्फ ब्लैक पैंट की जगह व्हाइट पैंट है, व्हाइट पैंट की जगह ब्लैक शर्ट है। यू कलर ब्लाइंड, हम व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट ही बोला था। अच्छा वो कैसेट दे दो। हाँ, हाँ। पैसे दो। कौन से पैसे? कौन सा कैसेट? अरे वही कैसेट जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। तो उसके लिए बुलाया है तो पहला पैसा दो ना। अरे नहीं है तो जाने दो। घड़ी आदमी है भाई, मिश्रा से भी कमीना नहीं। मिश्रा को कमीना नहीं बोलना। अरे तुम जानते नहीं मिश्रा कितना कमीना है? हम जानता हूँ मिश्रा कमीना नहीं है। अरे बहुत बड़ा कमीना है मिश्रा। मैं कमीना नहीं हूँ। तुम कैसे कह सकते हो? हम आई मिश्रा हूँ। मिश्रा जी हाँ भाई, इसका मतलब वो वीडियो कैसेट वाला नहीं आया जो हमें देने वाला था? अरे वो वीडियो कैसेट वाला हम ही हूँ यार। लेकिन ये गड़बड़ घोटाला है क्या? बड़ा गड़बड़ घोटाला है, काल लाओ। और तुम्हारा पिताजी का जो वसीयत है ना, जिसका कैसेट नीना देवी के पास है वो नकली है। असली कैसेट हमारे पास है। दो दो काहे 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 हैं काहे? अरे कहाँ जा रहे मिश्रा जी? पहले पैसे दे दे छोटे। और दो बस
इतना सा ये टोकर है ना आपकी विक विक के लिए, चश्मे के लिए, बाकी पैसे बचत मिलने के बाद 10% वेरी गुड वेरी गुड, लीजिए। अब इस कैसेट से इतनी जल्दी भांडा नहीं फूटेगा, इसके लिए हमें कौन लायर चाहिए है? तो आप है ना, आप भी चलिए, आपसे बड़ा लायर कौन है? अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यार, हम प्रोफेशनल लायर की बात कर रहा हूँ। अरे वकील आप कौन? मैं मशहूर लॉयर श्रीमती सीता जेठमलानी। आप सीता जेठमलानी की असिस्टेंट? वो क्यों नहीं आई? ये पूछो कि ये यहाँ पर क्यों आई? आप यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि इन्हें हमने यहाँ बुलाया है। इस कैसेट में पिताजी की असली वसीयत है। कुतुब मीनार पे चढ़कर डांडिया। ओ चाचा, ये कोई मुशारा नहीं है। तभी तो सुना रहा है, क्योंकि वहाँ इन्हें कोई बैठने नहीं देता। वैसे आपकी मैडम नहीं आई? नहीं, वो बिजी हैं और मैं उनसे ज्यादा बिजी हूँ। आज रात को 10 बजे मेरी एंगेजमेंट है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप जल्दी से एक कैसेट प्ले करिए। देखिए ये दोनों आपका वक्त खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनके पास कोई कैसे नहीं है। आप जाइए यहाँ से। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए, हम आपको सच्चाई प्रूफ कर देंगे। हाँ देखिए, जो करना है जल्दी करिए प्लीज। देर हो जाएंगे। तुम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब, तू कुछ कर। सर बाहर जाकर देख, कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ठीक है, गो। चल छोटे, अरे कैसेट लगा ले, जल्दी जल्दी। देखिए, इनमें से आपके पिताजी कौन से? हमारा बाप कार्टून था क्या? आप क्या बोल रही हैं? तो और क्या बोलूं? आपने मुझे यहाँ ये कार्टून फिल्म देखने बुलाया? देखिए मैडम, कोई गड़बड़ हो गई है, कैसेट चेंज हो गई है। ये गड़बड़ बिड़बड़ कुछ नहीं है, दोनों आपसे टाइम पास कर रहे हैं। क्या टाइम पास? यस टाइम पास। लड़कियों को फ्लर्ट करने के लिए ये दोनों क्या क्या बहाने निकलते हैं, मत पूछो। अच्छा, अभी कल या परसों एक लेडी डॉक्टर एक नर्स को लेके आए थे, डॉक्टर का अभी तक पता नहीं है, नर्स ऊपर पागल अवस्था में पड़ी हुई। देखिए भाई बोला, देखिए हम ऐसे लड़के नहीं है, ये बहुत बड़े झूठे हैं, हम कभी किसी लड़की के साथ टाइम पास नहीं करते। प्लीज हमें थोड़ा वक्त दीजिए, प्लीज थोड़ा सा, हम आपको असली कैसेट दिखा देंगे। प्लीज ओके ओके 10 मिनट। आइए राजा जी, प्लीज कम इन। नूनू, आज पहली बार तुमने अपने बेडरूम में मुझे बुलाया, मेरे तो वैसे ही आधे हाफ पूरे हो गए। ओह शट अप, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ये कैसेट दिखाने के लिए, ये वसीयत की ओरिजिनल कैसेट। नूनू ये तो कमाल हो गया, वसीयत की ओरिजिनल कैसेट तुम्हारे पास? आखिर मेरा नाम नीना है, यूं ही इन लड़कों के पिता को मैंने पटाया नहीं था। रानी बेटी अकेली डर के मारे छत पर सो नहीं सकती। वाह वाह वाह, लेकिन ये रानी बेटी है कौन? अरे सुनो तो सही, तुम्हारे ऊपर है। शेर अर्ज किया है कि रानी बेटी अकेली छत पर सो नहीं सकती और नूनू तुम्हारी जैसी पहुंची औरत दूसरी हो नहीं सकती। अब राजा जी, आप अपने कमरे में जाइए और चैन की नींद सोइए। जब तक ये ओरिजिनल कैसेट हमारे हाथ में है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। ओके ठीक है, मैं बस आई रही हूँ। असली कैसेट मिल गया। देखिए अब मैं नहीं रुक सकती। मैम प्लीज सिर्फ 10 मिनट, ये असली कैसेट। मेरी एंगेजमेंट है। अरे मैम एक बार प्रॉपर्टी हाथ लगने दो, आपके हजारों एंगेजमेंट करवा देंगे। अब रोज मेरे मित्रों के साथ घूमेंगे। हमारा मतलब वो नहीं था, प्लीज। मैं
मैडम आपको अपने नए होने वाले पति की कसम, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके जाइए कैसेट प्ले करिए। चल छोटे जल्दी भाई क्यों इस। मैडम मैडम आइए देखिए आइए आइए अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई है इस कैसेट में। सॉरी 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 चेतन केतन आप लोग ये कैसेट नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरी और धनीलाल की प्राइवेट कैसेट है। ए, बहुत हो गया मैडम अभी सच्चाई का पता चल जाएगा देखना आप। भाई ये क्या हो गया? इसे कहते हैं झूठ बोले और लाइट जाए। मैं जा रही हूँ। मैडम 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 प्लीज 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 मैडम मैडम दस मिनट लाइट आ जाएगी। देखिए मैं नहीं रुक सकती मेरी एंगेजमेंट। अरे मैडम वहाँ पे भी लाइट नहीं होगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे भी। प्लीज प्लीज। हेलो हाँ मम्मा मेरा ब्लू शरारा तैयार है। तो आपको कैसेट देख के जाना पड़ेगा बस। वो तुम लोग भी ना। हेलो मम्मा हाँ मेरे डायमंड के टॉप्स भी रेडी रखिए, मैं बस आ ही रही हूँ। ओके चलिए चलो 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 चलिए प्लीज चलिए दिखाइए चलिए चलिए चलिए। विशेर का विशेर का विशेर ये नीना और राजा बाबू विशेर लेकर गायब हो गए। अब क्या करें? अब मैं भी गायब हो रही हूँ। कहीं नहीं जा सकती आप, कैसेट देखनी पड़ेगी। है छोटे तुम मैडम को कहीं जाने मत देना। क्या विशेर लेके आ? ओके भाई रोक के रख पक्का। अरे अगर कैसेट नहीं निकल रही है तो वीसीआर को तोड़ दो ना। तोड़ने पर एक शेर अर्ज किया। राजा जी प्लीज शेरो शायरी बाद में करना, पहले इस वीसीआर को तोड़ दो। तोड़ो जो कुछ तोड़ सकते हो तोड़ो, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। अरे वो देखो उन्होंने अपना विषय ले लिया। कौन लिख क्या गया? कौन लिखे बाबा? पिया तू अब तो आ जा। अरे इसकी जरूरत ही पड़ेगी। ये छोटे मैडम विषयर मिल गया। हेलो क्या मोंटू अंगूठी लेकर मेहमानों के सामने खड़ा है? मैं आ रही हूँ जल्दी से लगाओ अपना टेप। भाई इसमें तो कैसेट ही नहीं है। देखा छोटे अब क्या करें? अब क्या करें? अब एक ही चीज हो सकती है तलाशी। तलाशी ओके तो तुम लोग तलाशी करो। आप कहीं नहीं जा सकती और अगर आपको जाना है तो मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा। तो तुम लोग नहीं सुधरोगे? नहीं। ओ, ओके। भाई गुजर रही है रोक। हम आपको गुजरने नहीं देंगे। हम मतलब जाने नहीं देंगे। हाँ। मैं जाके रहूँगी। हम आपको रोक कर आएंगे। कैसे? एक आइडिया। आइडिया? मैंने कहा ना एक बार कि मेरे पास कैसेट नहीं है। अरे तो क्यों नहीं है? ओए छोटे हाँ मिल गई क्या? नहीं है? नहीं नहीं क्या वसीयत लिखी क्या? नहीं नहीं हाँ? ये देख जब इनका हमारे बाप के साथ लफड़ा चल रहा था जानू जब से तुम भाई चलो राजा बाबू के कमरे में तलाशी। राजा बाबू के रूम में तो रखता है कुछ रखता ही नहीं हो कहीं और देख के चल छोटे हाँ, चल जाए। अरे यहाँ भी वीडियो कैसेट नहीं है। थक गए छोटे थक गए कैसेट ढूंढ ढूंढ के थक गए। ना राजा बाबू के पास मिली ना नीना के पास मिली ना हमारे कमरे में मिली कहीं। इधर देख तू मुझ पर शक कर रहा है? नहीं नहीं मैं तुझ पर शक क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे तुझ पर शक हो रहा है। तू मुझ पर शक कर रहा है भाई? भाई कितने गिर गए हम लोग वसीयत के लिए एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं। पैसा पैसा। अरे भाई लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ये। अब इसको क्या हुआ है? अरे हो क्या भाई शायद ये बोल रही है कि हमने इसकी तलाशी ले ली। कमाल है छोटे आजकल अजीब से लोग हैं कहते हैं कि हमारी तलाशी लो सामने जाके भाई जल्दी ले फाइल में तलाशी ले लेते क्या कुछ कुछ बोलना चाहती है कुछ बोलना चाहती है बोलो बोलो एक सेकंड पता नहीं क्या बोल रही है। वो देखो
नीचे, उसमें शायद कुछ होगा। कहाँ पे? भाई, भाई, ये तो वही कैसे थे। ये कैसे नीचे कैसे पहुंच गई? भाई, मेरे ख्याल से मैंने जल्दबाजी में यहाँ की जगह यहाँ डाल दी। तो मुझे गड़बड़ करता है। I am really sorry. अब मैं क्या करूँ इस कैसे का? अपनी प्रॉपर्टी संभालो। आओ नूनू, आओ। हम लुट गए। और मैं बर्बाद हो गई। अरे कमाल हो गया यार, कैसे हमारी टूटे बर्बादी हो गई। अरे मेरी एंगेजमेंट होने से पहले टूट गई। और हम अमीर बनने से पहले ही लुट गए भाई। चलो शोक मनाते हैं। एक्सक्यूज मी, कौन है ये? रामलाल जी का घर है। ए, ये धनीलाल का घर है। तो वॉचमैन कौन था, रामलाल या धनीलाल? मेरे बाप को वॉचमैन बोलता है, बदतमीज। सिर्फ पिक्चर की कैसेट लेके गए थे, लेकिन अभी वो मुझे भलतीज कैसेट देके गए हैं। अरे इसमें कुछ अलग ही पिक्चर है। वो बुड्ढा मरते मरते अपनी वसीयत बोल रहा है और बाजू में एक लड़की हंस रही है। क्या भाई, मुझे तो लगता है यही हमारी वसीयत की कैसेट है। यार दिखा। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी कैसेट? अरे ये लो ना तुम्हारी कैसेट। अरे ये क्या कर दिया? अब वो खराब हो गई। हाँ ठीक है ना, छोड़े चल, पैसे दे दे। मेरे पास नहीं भाई, तू दे दे। नहीं है, जाओ भाई साहब कुछ। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये लीजिए, ये पूरा रख लीजिए। केतन चेतन, जैसे तुम दोनों मेरी नालायक औलाद हो, वैसे मेरी 50% प्रॉपर्टी तुम दोनों की है। लेकिन ये 50% प्रॉपर्टी एक शर्त पर तुम दोनों की हो सकती है, 1 साल के अंदर तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, वो भी 1 साल। तुम्हें वड़ा पाव, दाबेली, आमलेट बनाना वगैरह आता तो है ना? क्यों? प्रॉपर्टी चली गई तो गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तुम दोनों में से जो पहले शादी करेगा उसे 75% प्रॉपर्टी मिलेगी, और जो दूसरा शादी करेगा उसे 25%। छोटे, हम करोड़पति बन गए। अब क्या होगा राजा जी? जो होगा वो ही जो ऊपर वाला चाहेगा। आपने देखा मैडम हमारी वसीयत, अब आप बताओ आपका फैसला क्या है? फैसला तो तुम्हें करना है। कैसा फैसला? कैसा फैसला? तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूटी। अब ये बताओ कि तुम दोनों करोड़पतियों में से मेरा पति कौन बनेगा? क्या?